आज मैं आपको ऐसा सच बताऊंगी जिसे ना तो आप कबूल करना चाहते हैं ना ही कभी कबूल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको ऐसा राज बताऊंगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया। गारंटी के साथ कहती हूँ, किसी ने नहीं बताया। हमेशा आप यही कहते हैं, हमारे लिप्स जब भी हम कोई लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ख़राब हो जाते हैं, फटना स्टार्ट हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, लाइन्स पड़ जाती हैं। मतलब आप इतने ज़्यादा इशूज़ जब भी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो आपके सामने आते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी हैं और एक वीडियो में मैंने कोशिश किया है इसको कंप्लीट आपको गाइड करने के लिए। आपने क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। याद रहे, कोई भी ब्रांड बुरा नहीं होता, कोई भी लिपस्टिक बुरी नहीं होती, सिर्फ आपको जो है तरीकाकार नहीं पता होता कि हमने करना क्या है। थोड़ी सी हल्दी लेंगे, उसमें जो है हमने कॉफ़ी पाउडर डाला है। डजेंट मैटर आपका कॉफ़ी पाउडर कम है ज़्यादा है, क्वान्टिटी मैटर नहीं करती। मास्क आपने बनाना है, मैं कहती हूँ इतने अच्छे से आप स्क्रबिंग भी करेंगे, मास्क भी करेंगे, मतलब एक ही चीज़ में सब कुछ है आप कर लेंगे। चीनी जो है हमने दरदरी सी लेनी है, बहुत मोटे मोटे ग्रैनुल्स नहीं होने चाहिए, लाइट सी हमने जो है इसको पीस लेना है। चाहे किसी भी चीज़ से पीस ले, ग्राइंडर में डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, यकीन करें आपके सारे मसले। दो तरीके हैं एलोवेरा को डालने के, आप या तो मार्केट वाली ले सकते हैं या आप घर पर जो है आपके पास प्लांट फ्रेश प्लांट की है आप वो ले सकते हैं। आपने जो है बस चीज़ों को समझना है, हमेशा यही कहती हूँ चीज़ों को समझा करें। बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में इस रेमेडी के अलावा भी शेयर करूँगी, बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। मैं कहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी एक ही वीडियो में इतना कुछ आपको बता दूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके लिए वो चीज़ें जो है ना लॉन्ग लास्टिंग आपको फ़ायदा भी दे। आपने कट्स लगा लेने हैं, एलोवेरा मैं फ्रेश यूज़ करूँगी, अगेन कह रही हूँ आप कोई भी कर सकते हैं आपके पास जो ईज़िली अवेलेबल हो। अच्छा, इसको मैं निकालने का तरीका मैं इस तरीके से निकालूँ, क्योंकि अगर मैं इसके जो है वो छोटे छोटे से क्यूब्स बना के निकालूंगी तो मुझे बहुत मसला होगा, लिप्स पे लगाने पे बहुत मसला होगा। इसमें आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, कंसिस्टेंसी इसकी इसी तरीके से आपने रखनी है और जब आप बनाएंगे तो इसी तरीके से बनेगी। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, लिप्स नहीं ख़राब होंगे, लॉन्ग लास्टिंग आपकी लिपस्टिक रहेगी। रूखे सूखे से लिप्स से आपकी जान छूट जाएगी, आप के लिप्स का कलर शेड चेंज हो जाता है, डार्कर टोन में चले जाते हैं। मतलब आपको हाथों से जो है ना अपनी स्किन को, डेड स्किन को रिमूव नहीं करना, अपने फिंगर से रिमूव नहीं करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी चेक करें, मैं कहती हूँ आपको लगाते ही पता चलेगा कि आपके लिप्स कितने ज़्यादा मॉइस्चराइज हुए हैं। और जब आप टूथपेस्ट अपने जो है टीथ पे अप्लाई करते हैं, ब्रश करते हैं, तो लाइट सा जो है ब्रशिंग अपनी लिप्स को भी कर दिया करें। डेली बेस पे आपके लिप्स जो है मॉइस्चराइज रहते हैं, आप कोई भी लिपस्टिक लगाते हैं तो आपको जो है ये सारे प्रॉब्लम नहीं देखने पड़ते। छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते रहेंगे, मेरे चैनल पर आपको पता चलती रहेंगी, तो आपकी लाइफ जो है बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत सुकून में रहेगी। आप चेक करें, इसमें इतनी ज़्यादा शाइन है। मैं कहती हूँ आप लाइट सा इसमें जो है ऑयल, आपके पास कोकोनट ऑयल है, ओलिव ऑयल है, कुछ भी आलमंड ऑयल है, आप डाल सकती हैं। आपके लिप्स इतने ज़बरदस्त तरीके से मॉइस्चराइज होंगे और सर्कुलर मोशन में 5 मिनट तक आपने अपने लिप्स पे मसाज करनी है। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद 10 से 15 मिनट आपने छोड़ना है। मैं कहती हूँ इतने ज़बरदस्त, अगर आपकी डेड स्किन होगी तो रिमूव हो जाएगी, आपके लिप्स जो है ना, मैं कहती हूँ वो जो लाइन्स पड़ जाती हैं ना वो आपका इशू, सबसे पहला इशू यही होता है। आप लिपस्टिक लगाते हैं, आपने जब भी मैट लिपस्टिक लगाई है आपके जो है वो लाइनें सी पड़ जाती हैं लिप्स पे, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं, किसी की स्किन जो है लिप्स की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो याद रहे रगड़ना नहीं है, बहुत प्यार से हैंडल करना है और आपको जो है इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्या कमाल का ये, मतलब मैंने जो है ना इसको 2 से 3 बार अप्लाई करके देखा है, ये नहीं कि मैं सालों से करती आ रही हूँ, 2 से 3 बार अप्लाई किया है, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। मतलब लिपस्टिक लगाओ कोई इशू ही नहीं होता, कोई मतलब लाइंस नहीं पड़ती, क्रैक्स नहीं पड़ते और आपके लिप्स फटना नहीं स्टार्ट हो जाते। सबसे ज़्यादा इशू जो है ये सर्दियों में होता है, तो आप जो है विंटर्स में
ऐसी चीज़ों को लाजमी अप्लाई करें। अगर आपको कोई और रेमेडी पता है तो आप लाजमी करें, लेकिन स्क्रबिंग लाजमी किया करें। लिप्स का जो कलर है वो आपका ख़राब नहीं होगा। मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा जो है ना पैची डेड स्किन और सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं आपके लिप्स करते हैं, और जब आपके लिप्स ही ख़राब होंगे रूखे सूखे से और वो अजीब से होंगे तो क्या आपकी जो है पर्सनैलिटी इन्हेंस करेगी। सो आपने जो है बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और कंसिस्टेंसी इसी तरीके की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आपके साथ कुछ चीज़ें मैं और भी शेयर करनी है, इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपको वाज़े रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इसको जो है मोस्टली इसको फेस पे इस तरीके से मैंने अप्लाई नहीं किया। हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, जो मैं करती हूँ मैं वैसे ही बताती हूँ। मैं कहने के लिए आपसे कह सकती हूँ आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैं कह भी रही हूँ, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं किया इसलिए मैं इसका रिव्यू नहीं आपको दे सकती। लिप्स के लिए मैं कहती हूँ माइंड ब्लोइंग, इतने कमाल कमाल और कमाल के रिजल्ट देती है ये रेमेडी, मतलब मज़ा आ जाता है। आपके लिप्स, आपको हैंड्स पे फील हो रहा है कि आपके लिप्स जो है वो कितने सॉफ्ट होंगी, क्योंकि आपकी लिप्स जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं आपके हैंड से। अगर आपके हैंड्स इतने, मतलब मैं खुद फील कर रही हूँ उस टाइम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और दोनों में आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट ये नहीं कि यहाँ पे एक ब्लैकिश हैंड और इधर वाइट हो जाता है, नहीं, ये आपकी स्क्रबिंग है, आपकी डेड स्किन को जस्ट रिमूव करना है, आपकी स्किन इन्हेंस करनी है लिप्स की। इसके अलावा मैंने आपके साथ ये रेमेडी शेयर की थी, मतलब इतना ज़्यादा प्यार आप करते हैं, इतना प्यार आप देते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से जो है आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप जो है वाज़े रिजल्ट दे सकते हैं इस जो है क्रीम के। अगर आप चाहते हैं कि आप बाज़ार वाले लोशन ले लेके थक गए हैं, आपकी हैंड जो है वो अजीब से, मतलब आपको नहीं अच्छा लगता कि आपकी हैंड्स पे जो है एक पैची सी लेयर हो, मतलब आपकी हैंड थिकनेस हो जाती है अजीब से, मेरे अपना है इस तरीके से था, ओरिफ्लेम की थी, मेरे पास सुकून था, लेकिन इसके बाद जो है मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितना जो है उससे मिलता था पहले, जब से ये बनाई है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में सुकून आ गया है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी एक तो स्किन जो है टोन डार्कर ना हो, आपकी स्किन टोन अच्छी हो, तो आप लाजमी से अप्लाई करें। स्क्रब जो है आपने ये लाजमी करना है। मैं कहती हूँ आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की होती है, आप अपने फेस को, अपने लिप्स को, हैंड एंड फीट को जरूर दिया करें। अगर आप मेरे ये वाले कलर्स चेक करना चाहते हैं, ये मैंने खुद से बनाए हैं और होममेड लिपस्टिक्स हैं, होममेड लिप ग्लॉस हैं, तो आप चैनल पे जाके ज़रूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर ये क्रीम बना लेते हैं तो सुकून आपकी लाइफ में आ जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।